हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले बच्चों, आज हम लोग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम पढ़ने वाले। जितने वन टू फाइव चैप्टर के इसमें जितने भी मोस्ट डायग्राम होंगे, जितने नहीं सिर्फ इसके टू मोस्ट डायग्राम, ठीक है, सिर्फ दो डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। उसका डायग्राम देखेंगे, उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है, पूरे डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सब लोग रेडी हो बताओ। इस क्लास में हम लोग सिर्फ डायग्राम पढ़ेंगे, जैसे वन टू फाइव चैप्टर के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम, सिर्फ दो डायग्राम ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ने वाले। तो देखते हैं बच्चों कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। पहला डायग्राम देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं और पूरे डिटेल में पढ़ने वाले। उसका क्या क्या होता है उसके बारे में भी मैं लिख के भी बताऊंगी, वैसे भी बताऊंगी, पूरे अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। तुम्हारे एक ही इसी क्लास में क्या पूरे क्लियर हो जाएगा उस डायग्राम के बारे में, और उस डायग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, आते हैं या फिर आने वाले तुम्हारे एग्जाम में, वो भी क्या होंगे, क्लियर हो जाने हैं, ठीक है। तो बताओ रेडियो सब इस क्लास में, देखते हैं हम लोग का पहला डायग्राम क्या है। ओके, दिखा सबको पहला डायग्राम, बताओ सबको दिखा पहला डायग्राम हमारा। देखो दिया क्या है, अंडे जनन का डायग्राम, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों आने वाला, क्या ये भी क्या बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें देखते हैं पहले इसमें होता क्या है, ये क्यों होता है अंडजनन, पहले कहते हैं किसको बच्चों बताओ, ठीक है। अंडजनन किसे कहते हैं, या फिर अंडजनन में कितनी कोशिकाएं होती हैं, ये सभी हम लोग क्या करने वाले हैं इस क्लास में, सब पढ़ने वाले हैं एक एक, ठीक है। उसमें कौन सा डिवीजन होता है, इसमें देखो दो डिवीजन होता है, क्या दो डिवीजन, एक पहले स्टार्टिंग में क्या होता है समसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। और लास्ट में हमको सबको बनाना क्या है इसमें, तो अंडजनन क्या बनाना है इसमें, एक अंडाणु एक एक का फॉर्मेशन करना है, वो कैसे होता है, फिर पहले दो अंडाणु कोशिकाएं होती है, उसके बाद उसमें कैसे डिवीजन होता है, कल से मल्टीप्लीकेशन फेज होता है। इसमें तीन अवस्थाएं होती है, क्या इसमें तीन डिवीजन होता है। पहला बच्चों कौन सा डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, क्या हो जाएगा पहला इसमें, इस जो डिवीजन मैं तुमको डायग्राम दिख रहा है उसमें सबसे पहला इसमें तीन फेज होते हैं, क्या तीन चरण का डिवीजन होता है, देखते हैं कौन कौन सा डिवीजन होता है, ठीक है। तो बताओ रेडियो, देखते बच्चों कौन कौन सा पहला होता है डिवीजन, होता है मल्टीप्लीकेशन, क्या होता है पहला इसमें कौन सा फेज होता है बच्चों, तो मल्टीप्लीकेशन फेज होता है, मल्टीप्लीकेशन फेज, ठीक है, क्या होता है मल्टीप्लीकेशन फेज। और दूसरा क्या होता है बच्चों, ग्रोथ फेज, क्या बोलते हैं इसको, ग्रोथ फेज, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है, तो तीसरा हमारा बच्चों हो जाएगा मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज, ठीक है। इस जो डायग्राम दिख रहा है इसमें तीन फेज आते हैं, तीनों फेज के बारे में लिखना है हमको, तो तीन फेज होते कैसे कैसे, इसके बारे में क्या क्या होता है, इन तीनों के बारे में हम लोग क्या करने वाले पढ़ने वाले हैं। तो बताओ रेडियो, मैं क्या करूँ, डायग्राम हटा दूं पहले पढ़ा दूं उसके बाद डायग्राम समझाऊं, या फिर पहले डायग्राम समझा दूं उसके बाद, देखो पहले लिख के समझा दूंगा तुम अच्छे से, तो डायग्राम समझ लो, समझ लो क्या होता है अंडाणु कोशिका, पहला तुम्हारा दिया है एक मदर सेल, ठीक है, उसके बाद उसमें डिवीजन होता है, वो क्या होता है टू एन होता है, ठीक है। जो एक सेल का जो अंडाणु हमारा होता है क्या टू एन होता है, उसमें कौन सा डिवीजन होता है बच्चों, समसूत्री विभाजन, क्या हो जाएगा समसूत्री विभाजन होता है, उसको बोलते हैं मियोसिस डिवीजन, उसके बाद आता है बच्चों टू एन का होता है, ठीक। उसके बाद जो टू एन होता है बच्चों उसमें क्या होता है दो बार डिवीजन, क्या उसमें भी अगर डिवीजन होता है तो कौन सा मल्टी जो समसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद कौन सी कोशिकाएं बनती है, दो कोशिकाएं हमारी बन जाती है, ठीक है। कौन कौन सा होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, गुणन प्रवस्था, या तो पहले फेज मैंने क्या लिखा है मल्टीप्लिकेशन फेज, तुम्हारा वही होता है लिखा है वहां पे गुणन प्रवस्था, ठीक है। डायग्राम तो दिख रहा है अच्छे से ना, वहां पे लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन फेज गुणन प्रवस्था, ठीक है। पहला फेज वो होता है, उसके बाद दो हमारी कोशिकाएं बनती है बच्चों, क्या बनती हमारी दो कोशिकाएं बनती है, ठीक है। ये तुम्हारा डायग्राम दिया है ना, पहले हमारे तो ये क्या है टू एन है, ठीक है, इसके बाद ये तुम्हारा डिवीजन होके बना था, फिर ये टू एन बन, क्या फिर ये बनाते, ये भी क्या होती है टू एन होती है, ठीक है, ये भी क्या होती है, फिर इन दोनों से फिर से डिवीजन होता है, क्या बनाते, फिर हमारी चार कोशिकाएं बनती है, क्या बनती है इसमें से चार कोशिकाएं बन जाती है। इसके बाद बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं इसके बाद जो कोशिकाएं बनती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद जो हमारी इसके बाद वाली कोशिकाएं बनती है इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारी होती है ग्रोथ फेज, क्या होती है ये हमारी, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रोथ फेज, ठीक है। और यहाँ पे जो होती है मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, इसके बाद क्या हमारी दो कोशिकाएं बनती है, ये भी क्या होती है बच्चों टू एन, ये चारों क्या थी, ये सभी हमारी टू एन है, ठीक है, सभी कोशिकाएं क्या है टू एन सेल्स है। और इसके बाद ये जो बनती है ये भी बच्चों क्या बनती है टू एन बनती है, ठीक है, ये भी हमारी क्या बनती है टू एन बनती है, तो समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो ये कोशिकाएं बनती है इसके बाद भी क्या बनती है, इसमें तो दो बार डिवीजन होता है, क्या वहां पे कौन सा विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन होता है बच्चों
अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद वहां पे कौन सा कितने सेल्स बनेंगे, तो एक हमारा बन जाता है एन। ठीक है, ये तो हमारा बच्चों 2n है, लेकिन इसके बाद जो हमारे कोशिकाएं बनती है वो क्या बनती है। ठीक है, मान लो अगर सब ये हमारी ये, ठीक है, यही वाली ये डायग्राम, ये हमारी क्या है 2n, तो इससे क्या बनती है, एक हमारी बन जाएगी बच्चों, ठीक है, एक हमारी द्वितीयक अंडक बनती है। क्या बनती है, ये द्वितीयक अंडक बन जाती है, और ये क्या बनती है, प्रथम ध्रुवी कोशिका है। ठीक है, इसी से बनती है बच्चों एक प्रथम ध्रुवी कोशिकाएं बन जाती है, बोल सकते हैं फर्स्ट पोलर न्यूक्लियर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी या पोलर सेल्स बन जाती है, दूसरी क्या बनती है हमारी द्वितीयक प्रथम अंडक। ठीक है, ये तुम्हारी क्या बन गई बच्चों, ये तुम्हारा प्रथम अंडक बन गया, ये तुम्हारी क्या बनी द्वितीयक अंडक। ठीक है, यही तुम्हारी है, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी या पोलर न्यूक्लियर सेल, और ये क्या होती है बच्चों हमारी सेकेंडरी पोलर सेल। ठीक है, इसके बाद ये हमारी क्या बनती है बच्चों, ये यन की होती है, क्या होती है, ये यन की होती है, और ये भी क्या होती है यन सेल्स होती है। ठीक है, ये हमारी टू सेल्स है, लेकिन ये क्या है यन सेल है, ये भी हमारी क्या है यन सेल होती है। क्लियर है सबको डायग्राम समझ, यही लिखना है। ठीक है, तीनों फेज में यही लिखना है जो मैं समझा रही हूँ, सिर्फ यही लिखना है, और कुछ अलग से उसमें खिचड़ी पका के नहीं लिखना है कि नहीं कुछ और से कहानी ग्रंथ अपने मन से छाप दिया। ठीक है, देखो साइंस है तो जो मेन पॉइंट है वही लिखा था जिसका हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसके बाद क्या होती है, ठीक है, हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन फेज तुम्हारे यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ये क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज। इसके बाद क्या आती है, ये हमारी हो गया ग्रोथ फेज। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्रोथ फेज। ठीक है, ये हमारा है ग्रोथ फेज। ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है सबको क्लियर, मैं जो बोल रही हूँ वो भी क्लियर है बच्चों, बताओ जो मैं बोल रही हूँ वो भी क्लियर है, जो डायग्राम में दिख रहा है वो भी क्लियर है। इसके बाद क्या होती है, जो हमारी यन सेल बन गई, ठीक है, ये भी यन सेल, ये भी, ये हमारी क्या है बच्चों सेकेंडरी, क्या ये हमारी सेकेंडरी पोलर सेल है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, क्या है बच्चों पोलर निकले, क्या है ये पोलर सेल है। ठीक है, ये भी क्या है, इसमें कौन सा विभाजन हुआ था, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, कौन सा विभाजन हो रहा है, तो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। इसके बाद हमारी सेल्स क्या बनती है, इसके बाद हमारी दो सेल्स बन जाती है। ठीक है, एक से क्या बनेगी, इससे क्या बनती है हमारी दो सेल बनती है। ठीक है, क्या बनती है, इससे हमारी दो सेल बन जाती है, और इससे भी क्या बनती है एक सेल बनती है। ठीक है, इससे भी हमारी क्या बनती है, इससे भी दो सेल बनती है, इससे भी दो सेल बनती है, लेकिन इससे क्या बन जाएगी बच्चों, एक हमारी कौन सी सेल बन जाती है, एक अंडाणु कोशिकाएं बन जाती है। ठीक है, एक यहाँ पे क्या बन जाती है, अंडाणु कोशिकाएं बन जाती है, दिख रहा है ना, एक ये क्या बनती है, ये अंडाणु हमारी एक बन जाती है। ठीक है, और ये सभी क्या होते हैं यन होते हैं, क्या होते हैं सभी ये सब यन होते हैं, और अंडाणु भी क्या होता है यन होता है। ये तीनों क्या होते हैं बच्चों, इसको बोल सकते हैं हम लोग बोलते हैं त्रिय ध्रुवी कोशिकाएं। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिय ध्रुवी कोशिकाएं बनते हैं, उसके बाद ये जो होती है इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय ध्रुवी कोशिकाएं। ठीक है, और ये जो बना हमारा ये बन जाएगा एक बन जाएगा। क्लियर है, देखो डायग्राम में पूरा दे रखा है, अच्छे से पूरा दिया है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, ये हमारा बनता है अंडजनन का ये पूरा डायग्राम है। ठीक है, कौन सा फेज, तीन फेज हो गए तुम्हारे। ठीक है, पहला तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया, तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक क्या है मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद यहाँ से यहाँ क्या आती है बच्चों ग्रोथ फेज आती है, क्या आती है ग्रोथ फेज, इसके बाद ये तुम्हारी आती है मैच्योरेशन फेज। ठीक है, लास्ट तुम्हारा ये बन गया तुम्हारा एग। क्लियर है डायग्राम, बताओ डायग्राम क्लियर है, जो मैंने बताया वो भी क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बारे में थोड़ा लिखवा रही बच्चों, वो भी समझ लो। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो मैं डायग्राम हाइड कर देती हूँ, उसके बाद मैं लिखवा देती हूँ अच्छे से थोड़े से। ठीक है, इसी के बारे में समझ ले, मैंने बोली कि अगर मैं लिखवा दूँ तो समझा दूंगी, थोड़े से कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं समझा दे रही हूँ बच्चों, क्लियर हो जाएंगे पूरे पूरे एकदम पूरे स्ट्रक्चर। बताओ क्लियर है सब पॉइंट, एक एक पॉइंट क्लियर है कि नहीं, कौन सा पेज होता है। अब इसके बारे में थोड़े थोड़े दो दो लाइन लिख लोगे वो भी तुम्हारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हारे क्या डायग्राम हाइड कर देती हूँ, उसके बाद मैं तुमको इसके बारे में थोड़े थोड़े बता देती हूँ दो दो लाइन। ठीक है, और अंडजनन क्या होता है इसके बारे में भी मैं दो लाइन बता देती हूँ। क्लियर है, बताओ, चलो देख लो। ठीक है, कोई ये तुम्हारे हाइड कर देते हैं। जहां तक तो क्लियर है ना बच्चों, बताओ हर एक पॉइंट तुम्हारा क्लियर है, कौन सा फेज हुआ, कौन सा डिवीजन हुआ, बोलो। ठीक है, पहले तुम्हारा देख लेते हैं अंडजनन होता क्या है। ठीक है, अंडजनन होता क्या, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। अंडजनन है तो उसको बोलते हैं अंडाणुजनन भी। ठीक है, इसको क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, ऊजेनेसिस। क्या बोलते हैं इंग्लिश इसको, बोलते हैं ऊजेनेसिस। ये होता क्या बच्चों, बोल सकते हैं अंडों के निर्माण, क्या जाएगा बच्चों, अंडों के निर्माण की प्रक्रिया, अंडों के निर्माण की प्रक्रिया
अंडजरण कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? जो अंडों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है हमारे बच्चों, क्या कहलाती है? तो अंडजरण कहलाती है। क्लियर पॉइंट? अंडजरण, तो अंडाणु जनन होता क्या? तो ये जो अंडों का निर्माण की प्रक्रिया, हम लोग लास्ट में क्या बना रहे थे? एक ही बना रहे थे ना, वो भी क्या थी? हमारी यंग कोशिका थी। ठीक है, जो हमारी लास्ट में हम लोग एक ही बना रहे थे ना, किससे बना रहे थे? स्टार्टिंग में बताओ, अंडाणु मदर कोशिका से हम लोग बना रहे थे। लास्ट में हमारे क्या, अंड का ही निर्माण, एक का ही फॉर्मेशन हो रहा था, इसी को बोलते हैं अंडों के निर्माण की प्रक्रिया हमारी क्या होती है? अंडजनन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, अंडों की जो अंडजनन की जो क्रिया होती, क्या होती बच्चों? अंडजनन की, ठीक है, अंडजनन की क्रिया स्त्री के भ्रूण, अंडजनन की क्रिया, या तो बोल सकते हैं अंडजनन की प्रक्रिया, स्त्री के भ्रूण से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक, क्या होता है? स्त्री के भ्रूण से ही क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। जब स्त्री का भ्रूण क्या होता है बच्चों? जब स्त्री का भ्रूण क्या होता है? जब हमारा 25 सप्ताह का होता है, क्या होता है? जब स्त्री का भ्रूण हमारा 25 सप्ताह का होता है, तभी से उसमें क्या होता है? अंडाशय उसका, और उसमें हम लोग अंडजननी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 25 सप्ताह का होता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा पहला फेज क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, ये हो गया हमारा अंडजनन पहले होता है क्या, अब देखते हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है बच्चों, क्या होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज? या तो इसको बोल सकते हैं गुणन प्रवस्था। क्या बोल सकते हैं इसको? गुणन प्रवस्था। ठीक है, अब देख लो गुणन प्रवस्था में होता क्या है, तो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, गुणन प्रवस्था हमारा बच्चों यही होता है कि इसमें जिसका फॉर्मेशन हो रहा था, एक कोशिका हमारी 2n कोशिका थी, ठीक है, 2n कोशिका थी, उसके बाद उसमें डिवीजन होता है। ठीक है, क्या बन जाती है हमारी? दो कोशिका बन जाती है, वो भी क्या होती है? 2n होती है। ठीक है, ये थे। फिर उसमें भी क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, उसके बाद क्या है? चार हमारी 2n सेल्स बन जाती है। ठीक है, चार हमारी बच्चों क्या बनती है इसमें? 2n कोशिकाएं बन जाती है। यही हमारा होता है ग्रोथ गुणन प्रवस्था, जिसमें हमारा डिवीजन होता है, वो भी क्या होता है बच्चों? उसमें समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, कौन सा विभाजन होता है उसमें? समसूत्री विभाजन होता है। क्लियर यहां तक पॉइंट? इसमें थोड़ा सा देख भी लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? तो इसमें जो मातृ कोशिका होती है, क्या होती है बच्चों इसमें? ठीक है, मातृ कोशिका बोल सकते हैं, या तो बोलते हैं हम लोग एक कोशिका अंडाणु। ठीक है, और एक कोशिका अंडाणु मातृ कोशिका में विभेदित होती है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर है? इसमें यही होता है कि अगर मान लो ऐसे सुन सकते हैं हम लोग पढ़ सकते, इसमें ऐसे भी होता है अगर किताबी भाषा के रूप में अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो इसमें ऐसे भी पढ़ सकते हैं बच्चों, अंडाशय के निर्माण के समय। ठीक है, जो अंडाशय का हमारा निर्माण होता है उसमें होता है कि निर्माण के समय जो प्राथमिक अंडाणु, ठीक है, प्राथमिक अंडाणु, अंडाणु जो अंडाणु कोशिकाएं क्या होती है? पुटिकाएं। ठीक है, अंडाशय पुटिकाएं जो ओवेरियन फैलोपियंस होती है, ठीक है, फॉलिकल्स होती है, उसमें क्या होती है बच्चों के रूप में एकत्रित हो जाती है, जिसमें क्या करते हैं एक कोशिका जो अंडाणु होती है द्वारा क्या होती है? अगुणित। ठीक है, अगुणित अंडाणु बनाने की जो प्रक्रिया होती है, तो बोल सकते हैं मातृ कोशिकाएं। ठीक है, मातृ कोशिकाएं क्या कहते हैं के रूप में इसमें विभेदित हो जाती है। ठीक है, ये क्या होती है? जो एक कोशिका अंडाणु होती है मातृ कोशिका के रूप में क्या होती है? विभेदित होती है। अब आता है हमारा ग्रोथ फेज। ठीक है, दूसरा बच्चों क्या होता है हमारा ग्रोथ फेज? इसमें क्या होता है? ठीक है, ग्रोथ फेज को क्या हम लोग बोल सकते हैं? वृद्धि प्रवस्था। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं वृद्धि प्रवस्था। ठीक है, अब देखो वृद्धि प्रवस्था में होता क्या है, तो इसमें बोल सकते हैं यह प्रवस्था क्या होती है? बहुत लंबी होती है। क्या होती है यह प्रवस्था? बहुत लंबी होती है।
ठीक है, क्या होती है यह प्रवस्था बहुत लंबी होती है और इसमें क्या क्या होता है, तो बोल सकते बच्चों ये प्रवस्था लंबी होती है और अंडाणु क्या कहती है, अंडाणु का जो मातृ कोशिका होती है और क्या अंडाणु जनन कोशिका या फिर यूजेनेसिस, ठीक है, क्या क्या बनाती है हमारी अंडाणु कोशिका बनाती है, अंडाणु कोशिका मातृ कोशिका या तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी कोशिका बनाती है यूजेनेसिस, क्या बनाती है बच्चों अंडाणु या तो यूगोनियम भी इसको कहते हैं, ठीक है, क्या क्या कहते हैं इसको यूगोनियम भी कहते हैं, या तो बोल सकते हैं इसका कोशिका बनाती है अंडाणु जनन कोशिका, ठीक है, क्या बनाती है हमारी अंडाणु जनन कोशिका भी बनाती है, ठीक है, अंडाणु जनन कोशिका बनाती है और क्या बनाती है इसमें जो मातृ कोशिका होती है, ठीक है, मातृ कोशिका इसका क्या होता है यूगोनियम में क्या होता है विभेदित करती जो होती है, ठीक है, विभेदित होती है वही हमारी क्या बनाती है वृद्धि प्रवस्था, विभेदित होती है ठीक है, तो क्या कहलाती है हमारी वृद्धि प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था कहलाती है, ठीक है, बताओ क्या कहलाती है हमारी वृद्धि प्रवस्था कहलाती है, इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल अगर तुम फिगर बना के इतना पूरा जैसे जैसे मैंने फिगर में बताया ना उतना भी लिख दो तो हमारे पूरे 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 नंबर आएंगे, ठीक है, मैंने जो स्टार्टिंग में ये लिखवाया ये और ये, ठीक है, और इसके बारे में मैंने जो बताया था अभी वो भी लिख लेना बच्चों, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ उसको नहीं लिखोगे, जो बस मैं यहाँ पे मेन मेन पॉइंट लिख रही हूँ तो बस वही लिख दोगे, तो ऐसा मत करना, जो मैं बोल रही उसको भी लिखना, ठीक है, अब आता लेस से तुम्हारा लास्ट तुम्हारा है मैचुरेशन फेज, ठीक है, इसकी परिपक्व प्रवस्था इसमें क्या होता है ये भी देख लो, ठीक है, ये भी एक वर्ड में देख लाइन में देख लो, यहां तक तो क्लियर है ना, बताओ यहां तक सारे पॉइंट क्लियर है, अब देखते इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तीसरा क्या बचा हमारा मैचुरेशन फेज, या तो इसको बोलते हैं परिपक्व प्रवस्था, क्या बोलते हैं परिपक्व प्रवस्था, ठीक है, अब देखो मैचुरेशन फेज में क्या होता है तो उसको बोलते हैं परिपक्व प्रवस्था, क्या बोलते हैं परिपक्व प्रवस्था, मैचुरेशन फेज, ठीक है, याद उसको बोलते हैं परिपक्व प्रवस्था, देखो इसमें क्या होता है तो जो हमारे ग्राफिन पर जब हमारा क्या बनता है बच्चों, उसमें डायग्राम में मैंने दिखाया था जब हमारी क्या बनती है प्रथम ओसाइड बनती है, उसके बाद उसमें क्या दो असमान कोशिका, ठीक है, उसमें क्या होता है विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो हमारी बनाती है दो असमान कोशिकाएं बनाती है, ये हमारी कहां पे होती है तो ग्राफियन पुटिका में होती है, कहां पे होती है बच्चों ये हमारी ग्राफियन पुटिका में होती है, और उसमें क्या होता है दो असमान कोशिकाएं बनती है, और जो दोनों असमान कोशिकाएं रहती है उसके बाद उसमें से जो बच्चों जो छोटी कोशिका होती है वो डिवीजन करके बनाती है अपने ही समान दो अलग अलग कोशिकाएं बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद वो क्या होती है ध्रुवी कोशिकाएं होती है, और जो तुम्हारी एक बड़ी कोशिका बनती है क्या एक जो बड़ी कोशिका होती है जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक, क्या द्वितीयक अंडक, जो बच्चों हम पढ़े थे जो द्वितीयक अंडक होती है वो बनाती है, वो फिर से डिवीजन करती है, क्या फिर से तुम्हारी अर्धसूत्री विभाजन से फिर दो असमान कोशिकाएं बनाती है, एक क्या बनाती है एक का फॉर्मेशन कराती है, दूसरा क्या बनाता है हमारा द्वितीयक ध्रुव बनाता है, और जो उसके पहले जो बाद वाली जो छोटी कोशिका बनाई थी दो कोशिका, ये तीनों मिलकर क्या बना देती है तृतीयक ध्रुवी कोशिकाएं का फॉर्मेशन करती है, कितना बनाती है तीन ध्रुवी कोशिका बनाती है, और एक जो बड़ी कोशिका होती है वो हमारी क्या बन जाती है एक बन जाती है अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, यही पूरे हमारी जो प्रोसेस होती है ये हमारी क्या कहलाती है पूरी अंडजनन का क्रिया प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है, इसमें लास्ट का जो हमारा था वो क्या मैचुरेशन फेज, ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लो बच्चों इसमें होता क्या, तो ग्राफीन पुटिका में जो परिपक्व क्या परिपक्व होने के बाद, ठीक है, परिपक्व होने के बाद उसमें जो उपस्थित क्या होती है बच्चों प्राथमिक अंडक जो हमारी प्राइमरी उ साइड्स होती है उसमें क्या बनाती है अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसमें क्या बनाती है दो असमान कोशिकाएं बनाती है, तो ये कहां पे होती है बच्चों जो हमारी जितना बता रहे बस ये हमारी जो ग्राफियन पुटिका होती है क्या होती है ग्राफियन पुटिका, ठीक है, क्या बनाती है ये जो इसमें ग्राफियन पुटिका बच्ची होती बच्चों होती है इसमें क्या बनाती है ग्राफियन पुटिका के परिपक्व होने के बाद, ठीक है, क्या होती है ग्राफियन पुटिका के परिपक्व होने के बाद क्लियर हो रहा है ना बच्चों पॉइंट, बताओ सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ना, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं कि जो छूटना चाहिए, ठीक है, सारे पॉइंट एक एक पॉइंट मैं सारे बता रही हूँ डायग्राम का जितने भी है, ठीक है, कि मैं बता दूं ठीक डायग्राम ही देख लो, ठीक है, ये तुम्हारा डायग्राम है,
ठीक है, डायग्राम तुम्हारा यही है। इसमें देखो जो बना तुम्हारा प्राथमिक भू साइड, उसके बाद क्या उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो हमारा क्या है ये ग्राफियन पुटिका कहलाता है। ठीक है, ग्राफियन पुटिका के परिपक्व होने के बाद क्या है दो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके बाद क्या है दो असमान कोशिकाएं बनती है। ठीक है, एक तो हमारा हो गया बच्चों जो द्वितीयक अंडा का फॉर्मेशन करती है, दूसरा क्या तुम्हारा प्रथम ध्रुवी कोशिकाएं बनती है। ठीक है, प्राइमरी पोलर सेल्स बनती है, इसके बाद उसमें भी डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन ही होता है, जो मैं बोल रही वही लिखना है इसमें मैचुरेशन फेज में। ठीक है, याद है क्लियर। उसके बाद ये होना दोबारा दो कोशिकाएं बनाती है। ठीक है, जिसको इसका एक और मिलकर क्या बनाता है, ये तीन ध्रुवी कोशिकाएं का फॉर्मेशन कर लेता है। जो हमारी बड़ी कोशिकाएं बच्चों जो वहां पे दिखा रहा है, ये द्वितीयक अंडक कोशिकाएं है, वो क्या कर लेते हैं डिवीजन होता है, तो दो क्या दो सेल्स बनाती है। ठीक है, दो कोशिकाएं बनाती है, जिसमें से एक क्या होता है तुम्हारा एक बन जाता है, और एक क्या बनाता है द्वितीयक ध्रुवी कोशिकाएं बनाती है, और ये तीनों मिलकर क्या बना जाती बन जाती है तृतीयक ध्रुवी कोशिकाएं। ठीक है, क्या बनाती है टर्शियरी पोलर सेल्स बनाती है, और ये पूरी जो प्रक्रिया है पूरी जो प्रोसेस है वो हमारी पूरी क्या हो जाती है अंडजनन हो जाती है। क्लियर है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फिगर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं बच्चों क्या है हमारा। देखा तुम्हारा दूसरा फिगर, बताओ दूसरा डायग्राम दिखा, ये भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, क्या है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसमें दिया क्या बच्चों हमारी, अच्छा इसको सिद्ध कर, इसमें डायग्राम अच्छा दिया क्यों, ये किसी को पता। देखो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, अनुवांशिक पदार्थ हमारा क्या होता है डीएनए होता है। तो इसी को सिद्ध करने के लिए जो हर्षे एवं चेज नामक वैज्ञानिक थे, कौन से वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे, हर्षे एवं चेज नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसी पे क्या किया था, अपना प्रयोग क्या किया था, सिद्ध किया था कि कैसे उन्होंने पता लगा कि कहीं हमारा डीएनए ही क्या है, हमारा एक अनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ जो क्या करता है कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजने का कार्य कौन सा करता है, तो हमारा डीएनए ही करता है। ठीक है, इसी प्रयोग के द्वारा क्या क्या सिद्ध किया था, ये क्या है बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल में पूछा हुआ है, डायग्राम क्या है। ठीक है, बहुत ईजी देखने में, बहुत ईजी मतलब बनाने में बहुत ईजी, इसको पढ़ने याद भी बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने दो जीवाणु लिए थे। इस फिगर में क्या यही दिखाया गया कि तुम्हारा क्या है पहले क्या इसमें लिया गया है कि जीवाणु हो जो डीएनए होता है इसमें क्या कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या था रेडियो। ठीक है, रेडियो चिन्हित क्या लिया था इसमें 32। ठीक है, 32 फॉस्फोरस से चिन्हित था। ठीक है, एक क्या लिया था डीएनए लिया था, दूसरा क्या लिया था हमारा प्रोटीन लिया था। ऐसा नॉर्मल भाषा में हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर समझे तो एक क्या लिया था उसने डीएनए लिया था। ठीक है, एक डीएनए लिया था किसी जीवाणु को, उन्होंने एक डीएनए ले लिया था, और किसी का क्या लिया था प्रोटीन लिया था। फिर दोनों को जब उन्होंने इंजेक्ट करा था, जो हमारा डीएनए है, ठीक है, जो डीएनए था बच्चों, उसके बाद उसने क्या किया था उसमें जो जीवाणु है क्या जब बैक्टीरिया फेज क्या उसको बोल सकते हैं इन्फेक्टिंग। ठीक है, क्या था इन्फेक्टिंग तुम्हारा था इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया बाय द बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इन्फेक्टिंग तुम्हारा बैक्टीरिया बाय द बैक्टीरियोफेज, उसमें क्या किया था उन्होंने उसको इंजेक्ट किया था। ठीक है, बैक्टीरियोफेज जो हमारा था उसमें इंजेक्ट किया था, डीएनए इंजेक्ट किया था, और दूसरे में क्या किया था प्रोटीन हमारा जो भी था उसको लिया था, प्रोटीन कवर से जो चिन्हित था, ठीक है, प्रोटीन लिया था उसको डाला था। जो हमारा जो प्रोटीन था वो क्या था, कोई तो कुछ डीएनए मटेरियल है नहीं, तो क्या किसी पीढ़ी में क्या किया वो उत्पन्न क्या नहीं किया, कुछ भी लक्षण नहीं दिखाई दिया। ठीक है, लेकिन जो हमारा जिसमें डीएनए लिया गया था, ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरे क्या दिखाएगा बच्चों, जिसमें क्या किया था एक बार डीएनए क्या उसका जीवाणु क्या संक्रमित करा दिया। ठीक है, जीवाणु भोजन द्वारा क्या क्या जीवाणु पर संक्रमित किया दिया, यही लिखा गया था कि इन्फेक्टेड बैक्टीरिया बाय द बैक्टीरियोफेज। इसके बाद उन्होंने क्या किया था, उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद क्या था सो ब्लेड द्वारा क्या किया था, एक ब्लेड लिया था द्वारा क्या जीवाणु के जीवाणु भोजन कवचों को हटा दिया, जो उसकी बाहर की जो कवक थी उसको क्या किया था हटा दिया था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद उसको जीवाणु भोजन को उसमें गुणन हुआ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियोफेज, उसके बाद उसका डिवीजन हो गया। इसके बाद इसमें क्या था जीवाणु में जो डीएनए था, ठीक है, जीवाणु डीएनए में जो रेडियो सक्रियता थी, उसके बाद एक में क्या था जीवाणु भोजी जो कवच में उसमें रेडियो सक्रियता थी। ठीक है, इसके बाद उसमें क्या दे रखा है बच्चों की, इसमें यही दिया है कि इसके बाद उसमें जो दिखाया गया कि रेडियो जो सक्रियता थी वो फिर डीएनए द्वारा क्या किया था जीवाणु में कोशिका के प्रवेश के बाद यह क्या हुआ कि इसमें, ठीक है, स्पष्ट होता है कि डीएनए क्या है जननी पदार्थ हमारा जेनेटिक मटेरियल, लेकिन जो तुम्हारा प्रोटीन लिया गया था वो क्या सिद्ध नहीं हुआ कि वो क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो इन्होंने इसलिए इस पर सिद्ध किया था, इसलिए इसका प्रयोग किया था कि हमारा क्या डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्यों है कैसे है इसके प्रयोग से उन्होंने सिद्ध किया था। कौन से वैज्ञानिक थे, हर्षे एवं चेज नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक थे, हर्षे एवं चेज, हर्षे एवं चेज नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, यही दो वैज्ञानिक क्या थे इन्होंने क्या किया था अपना प्रयोग किया था। और भी किस पे किया था, और भी बहुत चीजों पर उन्होंने प्रयोग, जैसे चूहे पे क्या किया था, एवं स्कूल उसमें चूहे पे बच्चों इसमें क्या प्रयोग किया था मैं उसके बारे में अभी लिख दूंगी। ठीक है, अच्छे से समझ तो लो, ठीक है, एक पूरी थीरी टाइप का समझ लो, उसके बाद मैं उसको लिखवा दूंगी। ठीक है, इन्होंने इसमें दो चीज दिया था क्या, एक तो उग्र विभेद दिया था, एक अनुग्र विभेद दिया था।
ठीक है, जो उग्र विभेद था वो बच्चों क्या था, रोग कारक था, लेकिन अनुरोग विभेद था वो रोग कारक नहीं था, ठीक है, वो क्या रोग उत्पन्न नहीं करता था, और एक क्या था जो उग्र विभेद का था वो क्या क्या था, जो जीवाणु क्या रहता वो क्या क्या था, बहुत तेजी से अपना क्या इन्फेक्टेड दिखाता था, अपना प्रभाव दिखाता था, रोग उत्पन्न करता था। इन्होंने क्या किया, जो उग्र जो रोग उत्पन्न करता था, ठीक है, उसकी कहानी सुन लो, एक कहानी की तरह सुनोगे बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग मूवी भी देखते हैं ना, तो पूरे ध्यान सब कुछ वहीं पे लगा के देखेंगे, तुम 2 महीने बाद पूछोगे ना बहुत सारी चीजें हमको याद रहेगी, पूरी मूवी हम लोग कहानी क्या स्टेप हम लोग को पूरा सब कुछ पूरी कहानी पूरी पता है, लेकिन इसी तरह पढ़ाई तो करते नहीं हम लोग ना, पढ़ाई करेंगे तो कुछ ज्यादा ही बेनिफिट हो जाएगा ना, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा कहानी तरह से वो भी हम लोग पढ़े, अगर थोड़े अच्छे से पढ़ ले ना तो सब कुछ एकदम क्लियर याद हो जाने वाले, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो उग्र जो बहुत ज्यादा रोग उत्पन्न करता था, जिससे इन्फेक्ट करते, अगर ऐसे लोग ठीक रहते हम लोग को जुकाम हो जाता है, आस पास भी कोई रहे तो उसको भी बहुत जल्दी फैल जाता है, ठीक है, उसको भी बहुत जल्दी फैल जाता है। इस तरह जो रोग उत्पन्न करने वाला उसको क्या किया, बहुत हाई टेम्परेचर उसको बॉयल कर दिया, ठीक है, वो जीवाणु क्या किया था, जो जीवाणु बैक्टीरिया थे हमारे उसको बहुत हाई टेम्परेचर बॉयल करके उसको क्या किया, बॉयल करके फिर उसका जो डीएनए था उसको निकाला, फिर चूहे में इंजेक्ट किया, तो क्या वो रोग कोई उत्पन्न नहीं किया, ठीक है। और कौन सा बच्चों लिया था, तो डिप्लोकोकस निमोनी का, कौन सा जीवाणु का लिया था, तो डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु लिया था, डिप्लोकोकस निमोनी। देखो बच्चों मैं पूरा अच्छे से नहीं लिख लिया, जितना मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुन लोगे ना पूरा लिख लोगे, ठीक है, मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं लिखवा रही हूँ, कुछ नहीं लिखवा रही हूँ, बस लेकिन इसको समझा रही हूँ बहुत अच्छे से तुमको समझ, जो जो मेन पॉइंट रहेगा वो भी मैं लिखवा दे रही हूँ, ठीक है। बताओ क्लियर है सारे पॉइंट कि मैं इसमें थोड़े से लिखवा के बता दूं, तुम्हारे यही सब दिया हुआ, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन तुम्हारे फिगर हाइड कर देती हूँ फिर, ठीक है, फिर मैं तुमको लिखवा के बता देती हूँ फिर बहुत अच्छे से, ठीक है, कहानी भी सुन लोगे ना तो भी याद हो जाएंगे बहुत क्लियर, ठीक है, बताओ सही है, ठीक है। उन्होंने लिया क्या था, एक बार ऐसे ही देख लो, ठीक है, रफली टाइप ऐसे ही देख लो, इन्होंने जो उसका उपयोग किया था, क्या हर्सेम चेस द्वारा किए गए एक प्रयोग में, ठीक है, उन्होंने कैसे प्रयोग किया था, तो बहुत सारे वैज्ञानिक, कौन से थे बच्चों, वैज्ञानिक ग्रिफिथ एवं हर्सेम चेस, ठीक है, तीन वैज्ञानिक थे उसका प्रयोग था, ये बहुत बार पूछा बच्चों, तीन वैज्ञानिक थे, कौन थे बच्चों, ग्रिफिथ, हर्से एवं चेस, ठीक है, ठीक है, कौन कौन सी इसका बात सुन लो अच्छे से, ठीक है, जितना मेन मेन पॉइंट रहेगा मैं सब लिखवा दी। हर्षे चेज ने क्या किया था, अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया था, क्या सिद्ध किया, मतलब डीएनए क्या है, एक अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है, क्या है, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। इन्होंने अपने प्रयोग से क्या किया था, ये सिद्ध किया था, इसके लिए उन्होंने जो ग्रिफिथ और क्या कहता है, ग्रिफिथ सर्वप्रथम किसने, सबसे पहले किसने किया था, इसके लिए इसको सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम जो ग्रिफिथ वैज्ञानिक थे 1928 में, कौन थे, ग्रिफिथ ने क्या कहता 1928 में, ठीक है, ग्रिफिथ ने क्या कहता 1928 में, किसमें किया था, डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु में, ठीक है, किसमें किया था इन्होंने प्रयोग अपना, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु, ठीक है, इस पे क्या कहते हैं, उन्होंने अपना प्रयोग किया था, उसके बाद इसको क्या कहते हैं, जो इसे क्या कहते हैं, नामक जीवाणु का प्रयोग किया, और इसे क्या कहता है, चूहों में प्रविष्ट किया था, किस जीवाणु, किसने प्रविष्ट किया था इसको, इन्होंने किसमें किया था, चूहों में, ठीक है, चूहे में क्या कहता है, इसको प्रविष्ट कराया था, इंजेक्ट कराया था चूहे में, इसके बाद ये क्या कहता है, करके निष्कर्ष निकाला कि निमोनी रोग उत्पन्न करने वाले करता है या फिर नहीं, इसके क्या थे, दो प्रभेद थे, ठीक है, इसके दो प्रभेद थे, कौन कौन से, एक तो पहला था इसमें उग्र विभेद, क्या था बच्चों, पहला इसमें उग्र विभेद था, ठीक है, जो उग्र विभेद था बच्चों ये क्या करता था, रोग उत्पन्न करता था, ठीक है, ये क्या है, ये रोग कारक होता था, ठीक है, ये क्या है, रोग कारक, और दूसरा क्या था, अनुग्र विभेद, क्या था, अनुग्र विभेद, ठीक है, ये क्या था, तो रोग कारक उत्पन्न नहीं करता है, रोग कारक उत्पन्न नहीं करता है, क्लियर है पॉइंट, ये क्या था, रोग कारक उत्पन्न नहीं करता है, और ये क्या था, रोग उत्पन्न करता था, इसको इन्होंने क्या कहा, जो रोग उत्पन्न करता था वो जो डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु था उसको क्या कहा, बहुत बॉइलिंग पॉइंट पर हाई टेम्परेचर उसको क्या कहता, गर्म कर दिया, उसके बाद उसका जो डीएनए था, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, इतना बड़ा लिखवाऊंगी ना तो बहुत लंबी क्लास बोलोगे, क्या क्या पढ़ा दिया, डायग्राम पढ़ा दिया, तो पूरा हिस्ट्री पढ़ा के रख दिया ना,
ये मत बोलना, ठीक है। मैं इसलिए सारे जितने मेन पॉइंट उसको बता रही हूँ, थोड़ा डायग्राम साइज बता रही हूँ, ठीक है। अब डायग्राम भी देख लो, इसमें यही किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद क्या क्या इन्होंने, ठीक है, इसके बाद क्या क्या, जो इसको बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दिया, उसके बाद इसको इंजेक्ट कराया, ठीक है, चूहे भी इंजेक्ट कराया, तो कोई भी इसमें क्या क्या, कोई भी संक्रमण नहीं हुआ, कुछ भी इंफेक्शन नहीं हुआ उसको, क्या था, चूहा जो था पूरी सही सलामत बचा रहा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो अनुग्रह विभेद थे, क्या थे बच्चों, उसके बाद तुमको दिख भी नहीं रहे होंगे ना, ये क्या थे बच्चों, जो अनुग्रह विभेद थे, ठीक है, जो क्या था अनुग्रह विभेद का जो जीवाणु था, ये तो क्या था, ये रोग उत्पन्न कारक नहीं करते थे, ये तो रोग उत्पन्न नहीं करते थे, लेकिन इसको क्या किया था, इसके साथ, इसके डीएनए के साथ अनुग्रह विभेद, क्या था, इसके डीएनए के साथ, ठीक है, इसके डीएनए के साथ इन्होंने क्या किया था, जो उग्र विभेद का जीवाणु था, क्या क्या, जो उग्र विभेद का जीवाणु था, ठीक है, इसके डीएनए को लिया, जो हाई बॉइलिंग टेम्परेचर पे गर्म किया था, ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट पे जो इसको बॉयल किया था, ठीक है, ये जो क्या किया था, इसको बॉयल किया था, इसको डीएनए और इसके डीएनए को क्या किया था, दोनों में मिक्स कर दिया, ठीक है, दोनों डीएनए को जो मिक्स करने के बाद फिर चूहे में प्रविष्ट कराया, तो क्या हुआ, वो संक्रमित निकला, ठीक है, वो उसमें क्या पाया गया कि वो डिप्लोकोकस निमानी जीवाणु से संक्रमित हो गया। तो इससे यही सिद्ध हुआ बच्चों की हमारा डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ है, और ये पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का कार्य कौन करता है, तुम्हारा डीएनए ही करता है, ठीक है। और इससे प्रयोग से भी यही सीधा जो तुम्हारे डायग्राम में दिखाया गया, इसमें क्या था, एक तो प्रोटीन लिया, दूसरा क्या लिया, डीएनए ले लिया, डीएनए तो हमारा अनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन जो प्रोटीन है बच्चों हमारा अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, इस प्रयोग से क्या क्या उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया, ठीक है। मैंने दोनों तुमको प्रयोग बता दे, कोई भी जो मन करे वो लिख लेना, ठीक है, क्लियर है, बताओ, ये क्लास हम लोग यही पे स्टॉप करते हैं, सारे पॉइंट के पॉइंट सारे क्लियर है, बताओ, ठीक है, ओके बच्चों। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चीजों के साथ, ठीक है। और जितने भी डायग्राम ऐसे पूरे जितने भी डायग्राम है सारे क्लास में तुमको करवा दूंगी, सब कुछ एक एक पॉइंट बता दूंगी, क्लियर है।